तो भाजपा की जो भविष्य की योजनाएं, उस लिहाज से पीएम मोदी की केरल यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और साथ ही बिशप के साथ उनकी जो मुलाकात हो रही है, इसके लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला साहब। बालाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। केरल में हम देख रहे हैं कि बीजेपी लंबे समय से अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि वहां पर वो काफी ताकतवर है, लेकिन बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल पाती। हमने देखा था कि एक ही बार जो है बीजेपी का विधानसभा में सदस्य पहुंचने में कामयाब हो पाया था, और अब पीएम का केरल जाना और ईसाई धर्मगुरुओं से मिलना, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, मैं जो 8 बिशप जो कल मिल रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, पहले भी हमने कई बार उनके साथ मिल के बैठा है ना, बैठ के बातचीत किया है। और कार्डिनल, बिशप, फादर, पास्टर, बहुत फादर सबसे बैठा है, बिशप सबसे, सिस्टर सबसे। ऑलरेडी हमने जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो मंत्र है और ये जो 4 सेंटर्स है, इस सेंटेंस में सब चीज छुपा हुआ है। सबका साथ मैंने सभी सभी कम्युनिटी को लेके विकास करना चाहता है। और आज का दिन में हमें जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री पूरा देश को नेतृत्व कर रहे, पूरा वर्ल्ड को नेतृत्व कर रहा है, G20 का प्रेसिडेंसी कर रहा है, और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन कंट्री भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और मुस्लिम कंट्री भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स उनमें वो क्षमता है, वो देश को, पूरा दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। तो आज उसको देखते हुए हमारे क्रिश्चियन समाज के जुड़ना चाह रहा है कि हम नहीं, आज हम लोग अगर हम एक दूसरे से अगर विश्वास नहीं करेंगे, आज का दिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नेतृत्व दे रहे हैं पूरा दुनिया को, तो इससे पता चलता है कि देश को आगे ले जाना चाहता है, और इसमें सबका साथ और सबका विश्वास लेके ही आगे बढ़ना है, तभी हम आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हम सबका सहयोग चाहिए जी, और इसी सहयोग पूरा दुनिया से मिल रहा है, और हमें पूरा और भारत देश में भी हर कम्युनिटी का सहयोग मिलना चाहिए, कि अगर हम एक दूसरे को विरोध करेंगे तो हम विकास कब करेंगे। हम आज का दिन में सरकार में बैठे हैं, चेयर में बैठे हैं, प्रतिनिधि हमें चुन के भेजा गया है, आज का दिन में तो प्रधानमंत्री हमारा है नरेंद्र मोदी जी, तो उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, और हमने ऑलरेडी हमने जो जो कल बैठ रहे हैं ये बिशप, 8 बिशप, उनके साथ ऑलरेडी हमने मीटिंग करे, कई बार हमने उनके साथ मीटिंग किया। लेकिन कई सारे मुद्दे उठाए जाते हैं ईसाई समुदाय की ओर से, वहां पर हाल ही में एक बयान ये भी आया था कि अगर रबर की जो कीमतें वो बढ़ा दी जाए तो ईसाई समुदाय जो समर्थन के बारे में विचार कर सकता है, तो इस तरह के क्या क्या मुद्दे हैं, आखिर क्या बातें हैं जो वो पीएम से कहना चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में हमने भी 2 महीना का समय दिया, वहां पर फादर, बिशप और जितना क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बैठा है, वहाँ 98% क्रिश्चियन पीपल है, तो उनके साथ बैठा, उनको से बात किया, करने के बाद में देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम। केंद्र और राज्य सरकार अगर मिल के काम करेंगे, दोनों में अगर डबल इंजन सरकार होगा, तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक्सेप्ट किया वहाँ के लोगों ने। आज हम सभी राज्य में, हम नॉर्थ ईस्ट में देखे, सभी राज्य में मोदी जी का सपोर्टर फ्लोर बढ़ रहे हैं, और आने वाला दिन केरला में भी यही दिन देखने को मिलेगा। कल का दिन में हमारा एक भी प्रशासनिक लेवल में, असेंबली में कोई भी एमएलए नहीं था। कल का दिन में हमारा असेंबली पार्लियामेंट भी होंगे, 2024 में भी हम जीतेंगे, और 2026 में भी हम लोग वहाँ एमएलए जीत के हम लोग असेंबली में भेज सकते हैं। तो ये बात अभी उनको समझ में आई है और वो जुड़ना चाह रहे हैं। कम से कम हमारे तो कोई कोई पॉलिटिकल लीडर हो जो पार्लियामेंट में हमारा समस्या का समाधान करने के लिए कोई हमारा कम्युनिटी को बात उठाने वाला कोई होना चाहिए, असेंबली में होना चाहिए। ये बात उनको हमने समझाया और वो समझे और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो हाथ एक दूसरे से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के आगे काम करना चाह रहा है। इसीलिए तो कल का जो शायद कहीं ना कहीं से उन्हें मैसेज मिला बैठने के, तो वो स्वीकार किया और कल बैठेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि बीजेपी पर ही आरोप लगता आया है, खासतौर से कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां लगाती है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ है, घर वापसी का अभियान चलाया जाता है, और इसीलिए
जो अल्पसंख्यक है वो शक की नजर से उन्हें देखते हैं, ऐसा कम से कम लेफ्ट और बीजेपी लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियों का दावा है। देखिए देखिए, ये थोड़ा सा ये जो आरोप लग रहा है ये ठीक बात नहीं है। सबका साथ सबका विकास। आप देखिए, हर स्कूल में जाइए, हर यूनिवर्सिटी में जाइए, हर कॉलेज में जाइए, हर कहीं पर भी जाइए, मेडिकल कॉलेज में जाइए, 98% नॉन क्रिश्चियन आर गेटिंग एजुकेशन, हेल्थ पॉलिसी, इन इवन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो यूल गो, तो आप देखिएगा 98% नॉन क्रिश्चियन आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, जॉब भी मिल रहा है हर स्कूल हर कॉलेज में, चाहे वो झारखंड में जाइए, चाहे नॉर्थ ईस्ट में जाइए, चाहे केरला में जाइए, हर जगह में देखिए क्रिश्चियन पीपल उसमें नहीं है। परसेंटेज देखिए, अगर आप ढूंढिएगा तो परसेंटेज नहीं है। और इतने बच्चे सब पढ़ लिख के निकले हैं वहां पर, आप देखिए बिफोर इंडिपेंडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट, आप जाइए सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, ऐसे बहुत सारे, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, ये क्या बोलते हैं, एल के आडवाणी, जेटली, ये पावर फैमिली, राज ठाकरे फैमिली, सभी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ के बैठे हैं, लेकिन कोई तो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है। 98% हर स्कूल में नॉन क्रिश्चियन पढ़ता है, लेकिन आपने किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी मेडिकल कॉलेज में आप सुने हैं कि 98% पढ़ने के बाद में कोई कन्वर्शन हुआ है? ये गलत अफवाह है। बिफोर 90 देश आजादी का पहले भी 2.3 था हमारा परसेंटेज, क्रिश्चियन का परसेंटेज आज का दिन में भी वो बढ़ना चाहिए, तो आज का दिन में 2.3 हो गया, तो परसेंटेज तो बढ़ना चाहिए। अगर धर्मांतरण हो रहा है तो, कन्वर्शन हो रहा है तो आप बताइए, ये परसेंटेज बढ़ के अबव होना चाहिए, 3-4% होना, ये परसेंटेज तो वहीं पर रह गया 2.3। जी अब देश आजादी का पहले भी वही था, देश आजाद के बाद भी, आज का दिन में भी परसेंटेज वही है, तो ये सोच को बदलना पड़ेगा। ये जी एक दूसरे, अगर हम सबका साथ सबका विकास करना चाहता है, ये एक दूसरे का आरोप नहीं लगा के आप देखिए ना, पहले तो जाइए एजुकेशन पॉलिसी क्या है, बड़े बड़े सभी एजुकेशन तो ज्यादातर आप क्रिश्चियन स्कूल से ही लेते हैं, लेकिन कोई भी कन्वर्सन होता है स्कूल में बताइए, कोई कॉलेज में, कोई मेडिकल कॉलेज में, ये तथ्य को जानना चाहिए। व्हाट इज दैट क्रिश्चियन कम्युनिटी, दे आर द एजुकेशन पॉलिसी उनका बहुत अच्छा है, और इन्होंने जो दिया है दुनिया को, जो दिया है एजुकेशन और हेल्थ और सोशल में, ये दुनिया को नहीं बताता है। द पीपल ऑफ इंडिया दे डोंट नो अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन, जी दैट्स व्हाई ये सोच रहा है कि नहीं, ये इनका ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्रिश्चियन स्कूल में। ऐसे बात नहीं है, आप क्रिश्चियन स्कूल में कहीं पर डाटा निकालिए, आप परसेंटेज बहुत कम मिलेगा। हमने ये भी देखा है कि वहां पर बीजेपी जो है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई तरह के गठबंधन करती है। अभी हाल ही में जॉनी नेलोर हैं वो अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी एनपीपी बनाई है। चर्चा चल रही है कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। बातचीत करके हम लोग जरूर, एक दूसरे से बातचीत करके हम लोग एक दूसरे को जोड़ना, विश्वास लेना, ये हमारा मोदी जी का सपना है, सबका विश्वास जीतना हमारा, एज अ पॉलिटिकल लीडर बोलूंगा, एज अ क्रिश्चियन लीडर बोलूंगा, सबका दिल जीतना चाहिए काम करके। मोदी जी जिस प्रकार से, हमारे प्रधानमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, पूरा दुनिया उनको फॉलो कर रहा है, तो हम अपने देश को, प्रधानमंत्री को हम फॉलो क्यों ना करें, हमारा समाज हम दूर क्यों बनाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मामले केंद्रीय नमस्कार, अल्पसंख्यक मामलों के धन्यवाद। राज्य मंत्री जॉन बारला साहब।